राजकीय वरिष्ठ आदर्श कन्या स्कूल हमीरपुर में प्रधानाचार्य व हेडमास्टर की 10 दिनों की ट्रेनिंग में फील्ड की ट्रेनिंग दी जाएगी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत डाइट गौना करौर द्वारा स्कूल मुखियाओं को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 29 दिसंबर तक आयोजित हो रहे प्रशिक्षण शिविर में स्कूल मुखियों को कमजोर छात्रों का लर्निंग लेवल सुधारने, स्कूल का वातावरण सुधारने, स्कूल के कमजोर व होनहार छात्रों का लर्निंग लेवल सुधारने के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है, ताकि स्कूलों में शिक्षा के स्तर को और बढ़ाया जा सके। इसके अलावा स्कूल स्टाफ के साथ मैत्रीपूर्ण माहौल तैयार करवाने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। CHT ट्रेनिंग सुबह 9:30 से शाम 4:30 बजे तक आयोजित की जा रही है। ट्रेनिंग में 40 स्कूल मुखिया प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। जो SLTP की ट्रेनिंग है वो करीब करीब आज 8वां दिन है, और इन ये जो ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल है वो 10 दिन का है, और इस ट्रेनिंग में पूरे डिस्ट्रिक्ट से प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स और CHDs आए हुए हैं। और बेसिकली ये जो ट्रेनिंग है ये फोकस्ड है उनकी लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए, और जो कैपेसिटी बिल्डिंग है कि वो किस तरह से एज ए अच्छे हेड के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो आज जो 8वां दिन है, 2 दिन और शेष बचते हैं इस ट्रेनिंग के। कल इनका फील्ड विजिट है, जो कि ये खुद डिसाइड करेंगे कुछ देर में कि किन किन स्कूल्स में ये विजिट करना चाहते हैं, और वहां से फीडबैक लेकर के परसों इसको शेयर करेंगे, और परसों ही इस ट्रेनिंग का समापन हो जाएगा। स्थानीय स्कूल प्रधानाचार्य नीना ठाकुर ने बताया कि स्कूल में स्कूल मुखियों का प्रशिक्षण जारी है। स्कूल प्रधानाचार्य व मुख्य अध्यापकों को अलग अलग विषयों की ट्रेनिंग दी जा रही है। स्कूल लीडरशिप ट्रेनिंग है जो डिपार्टमेंट 10 डेज के लिए देता है, और इसमें विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक और CHD साहबान जो हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, और ये 19 से स्टार्ट हुई है और 29 तक चलेगी 10 दिन के लिए। 2 दिन का बीच में छुट्टियों का ब्रेक था। स्कूल जो हेड है उसको अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करना चाहिए, और क्या आजकल जो नेसेसिटीज हैं स्कूल्स को लेके, और एक अच्छा वर्क कल्चर और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन स्कूलों में दी जा सके, और एक फियरफुल एटमॉस्फेयर जो है बच्चों को और स्टाफ को वो प्रोवाइड कर पाएं, उसकी अलग अलग एक अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी इसमें चीज़ें जो है वो बताई जा रही है कि एक स्कूल हेड को किस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहिए, ताकि ये सारा इमेज जो है वो बच्चों तक जाए और बच्चों की एक एजुकेशन का हिस्सा ये बन पाए।